अब तक हमने जो इतिहास जाना है उसमें पहली बार। ये दौर है जिसमें कागज है और कागज पर तहरीरें हैं, तस्वीरें और कलाएं भी, देश विदेश से आने वालों की लिखी रचनाएं भी। और इन्हीं सब को पढ़कर जान सके उन लोगों का हम रहन सहन और जीने का ढंग। लोगों के रहन सहन और जीने के ढंग में सभी कुछ आ जाता है, उनके समाज का ढांचा, सोच विचार, उनकी कला, उनकी तकनीकें, विज्ञान। हम उस मध्यकालीन समय की बात कर रहे हैं जब बाहर से आने वालों ने एक एक करके उत्तर भारत में अपने वंशों की स्थापना की थी। 13वीं सदी में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक से ये सिलसिला शुरू होता है। उसी के राज का प्रतीक है ये कुतुब मीनार। पिछले कुछ सदियों में व्यापार के गिर जाने से शहरी सभ्यता तो सिर्फ नाम भर की ही रह गई थी। रोजगार का मुख्य उपाय था खेती और उच्च वर्गों की आमदनी थी खेतों पर लगान। राज अफसरों को पगार की जगह किसी गांव या जमीन का लगान बख्शा जाने लगा। धीरे धीरे अफसर उन जमीन के टुकड़ों पर अपना हक जमाने लगे। उनका फर्ज था राजा को उसका हिस्सा देना और एक फौज कायम रखना जिसे राजा जब चाहे काम में ला सकता था। जाहिर है राजाओं का जोर कम होता गया और अफसर ताकतवर होते गए। इन अमीरों के आपसी रिश्ते बड़े नाजुक होते थे, बात पे बात झगड़े खड़े हो जाते थे जिनमें जान और पैसा दोनों की बर्बादी होती थी। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि तुर्क, अफगान और मंगोल फौजों को इतनी कामयाबी मिली। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब जब अशांति फैली या फिर कोई परेशानी आई, लोगों ने या तो दूसरी जगहों पर हमले किए या यहां वहां जाकर बस गए। ये सिलसिला अपने साथ कई परिवर्तन भी लेकर आया। साइंस और टेक्नोलॉजी को नई राहें मिली। मध्य एशिया में भी ऐसा ही हुआ। सदियों के दौरान उन इलाकों से लोग यहाँ आकर बसते रहे, जैसे हजारों साल पहले इंडो आर्य भाषी, फिर कुशाण, शक, हून जाति के लोग भारत आए। इतना ज़रूर है कि अक्सर ये सब सिर्फ उपजाऊ ज़मीन या धन दौलत की तलाश में आते थे। ऐसे ही 10वीं सदी में महमूद गजनवी पहली बार हिंदुस्तान आया, मगर उसका मकसद सिर्फ लूटपाट करना था। फिर 13वीं सदी में मोहम्मद गोरी आया और आकर यहीं बस गया। भारत को ही उसने अपना घर बना लिया। उस वक्त भारत के छोटे छोटे रजवाड़े आपसी लड़ाइयों के वजह से कमजोर हो चुके थे। साथ ही महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के फौजों का फौजी साजो सामान बेहतर था। उनकी फौजों में ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बेहतरीन नस्लों के घोड़े थे। घोड़े के पैरों में नाल लगाई जाती थी जो हमारे लिए एक नई चीज थी। पैरों में नाल लगी होने से घोड़े पथरीले रास्तों पर भी तेज दौड़ लेते थे। इसके अलावा एक और खूबी थी, लोहे की रकाब। रकाब में घुड़सवार आराम से अपने पैर जमा सकता था। जंग में जरूरत पड़ने पर रकाब के सहारे वो खड़ा भी हो सकता था। इस तरह उसकी तलवार का वार ज्यादा दूर तक पहुंच सकता था। पोलो के खेल में इसी तरह की महारत नजर आती है। पोलो का यह खेल लद्दाख में खेला जा रहा है। तो अरब, ईरान, मध्य एशिया और कई देशों से आकर लोग यहाँ आबाद हुए, और जब ये भारत आए तो अपनी भाषाएं, अपने तौर तरीके, जीने के ढंग, सोच समझ और विज्ञान भी साथ लाए और यहाँ के संस्कारों में घुल मिल कर बड़ा योगदान दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के दस्तावेजों में इस मेल मिलाप से बनी तस्वीर देखी जा सकती है। साथ साथ ही हमारी जानकारी के लिए
बहुत सी आत्मकथाएं, रिकॉर्ड्स, डायरिया वगैरह भी हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक की बायोग्राफी सीरते फिरोज शाही, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, फिर आईने अकबरी और तुजुके जहांगीरी। ये अकबर और जहांगीर के रिकॉर्ड्स हैं। इन किताबों के अलावा बहुत से यात्रियों की लिखी हुई तहरीरें भी हैं, जिन्हें उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में छोड़ा है। ऐसा ही एक यात्री विद्वान था, 11वीं सदी में हिंदुस्तान आया था। यहाँ के जीवन और विज्ञान को उसने करीब से देखा और एक उपमा दी। उसने कहा कि यहाँ का विज्ञान ऐसा है जैसे गोबर में मोती मिल गए हो, बड़ा मुश्किल है मोतियों को निकाल कर लाना। उसने महसूस किया कि यहाँ के लोगों पर अंधविश्वासों का असर बहुत है, शिक्षा दीक्षा पर ऊंची जाति के लोगों का अधिकार है और ये लोग अपने मुल्क से बाहर होने वाली तरक्की तब्दीली में कोई दिलचस्पी भी नहीं रखते। कहो, कौन है ये? एक कैदी बनकर आया था, महमूद गजनवी लाया था, तारीख उल हिंद लिखी उसने, जो देखी बात कही उसने, ना समझे तो हम समझा दे, अलबरूनी नाम था बतला दे। अछूत इनकी नजर में सब कि जो मुसाफिर यहाँ पे आए, यहाँ के बासी रिवाज इन्होंने अजब बनाए, कि दीन इंसान के इल्म इंसान के मुल्क इंसान कहीं नहीं है। अगर ये अपने वतन से बाहर निकल के आए तो शायद ये कुछ बदल भी जाए, बुजुर्ग इनके नहीं थे ऐसे कि ये है जैसे। एक लंबा अंतराल रहा जिसमें साइंस या टेक्नोलॉजी को कोई नई दिशा नहीं मिली, लेकिन अब कई संस्कृतियों के मेल से साइंस और टेक्नोलॉजी को नए आयाम मिलने शुरू हुए। इस शुरुआत का असर यहाँ के समाज पर हुआ तो सही, पर धीरे धीरे, पर यह प्रभाव था दूरगामी और इसी मेलजोल ने उस संस्कृति की बुनियाद रखी जिसे आज हम हिंदुस्तानी संस्कृति कहते हैं। सुल्तानों के दरबार में यूं तो बहुत से संगीतकार, कलाकार और विद्वान जगह पाते थे, लेकिन साइंस के नाम पर ज्यादातर एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के विद्वानों को ही सहारा मिला। यूनानी यानी यूनान का, तो दवाओं का यूनानी तरीका अरबों ने यूनानियों से सीखा और खुद उसे बढ़ाया। हिंदुस्तान में यह सिस्टम जल्द ही लोकप्रिय हो गया। हालांकि यूनानी और आयुर्वेद के मूल सिद्धांत अलग हैं, फिर भी दोनों में दवाओं, नुस्खों और इलाजों का खूब लेन देन हुआ और यूनानी तिब भी हिंदुस्तानी हो गया। लेकिन साइंस के सभी क्षेत्रों में ऐसा मेल मिलाप नहीं हुआ। विद्वान लोग अपना ज्ञान अपने ही अधिकार में रखना चाहते थे। इसकी तुलना में दस्तकार जैसे आम लोग, जिनके पास हुनर था, नया सीखने सिखाने के लिए तैयार थे। और तभी धीरे धीरे अनगिनत दस्तकारियाँ और तकनीकें फैलती गई। अब बर्तनों पर कलई आम हो गई तो तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल भी बढ़ गया। अब कागज का इस्तेमाल भी खूब होने लगा, इतना कि मिठाइयां तक भी उसमें बांधी जाने लगी। चरखा आया और तकली के मुकाबले कहीं ज्यादा कताई होने लगी। बिना सिले कपड़ों की जगह आ गए सिले हुए कपड़े। खाने पीने की नई नई चीजें, अचार, मुरब्बा, शरबत,
बुने हुए कालीन, रूह और इत्र, ये सब टेक्नोलॉजी के बदलाव थे जो राजकाज और समाज में तब्दीलियों के माहौल में हो रहे थे। इस दौरान सामंतवाद या फ्यूडलिज्म की जड़ें काफी गहरी बैठ गई। इसका सीधा असर खेती किसानी पर पड़ा। जमीन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सिमट गई और किसानों को इन लोगों की जमीन पर काम करना पड़ता था। जमीन जिसकी थी वो लगान के रूप में ज्यादा से ज्यादा वसूल करना चाहता था, ताकि एक तो राज्य के खजाने में वो अपने हिस्से का धन भी दे सके और बाकी खर्चों का भी इंतजाम हो जाए। इसके लिए जरूरी था कि पैदावार बढ़े, और पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को नई तकनीकें ईजाद करनी पड़ी। इस पूरे सिस्टम का दोहरा असर पड़ा। एक तरफ तो इसने किसानों को दबाया, मगर साथ साथ तकनीकी विकास को भी बढ़ावा दिया। किसान अपने पशुओं की मदद से ही खिंचाई, सिंचाई या अनाज कूटने पीसने का काम करते थे। उनके पास एनर्जी के दूसरे साधन नहीं थे, जैसे पवन चक्कियां या पंचक्कियां। मध्यकालीन किसानों के औजार वगैरह ज्यादातर लकड़ी के होते थे। इनमें कुछ मैकेनिकल प्रिंसिपल शामिल थे, जैसे पैरेलल वर्म गियरिंग। गियरिंग के इस तरीके का इस्तेमाल हिंदुस्तान में सदियों से होता रहा है, जैसे कि कॉटन जिन में, या फिर गन्ने का रस निकालने के लिए प्रेस में। राइट एंगल गियरिंग का सिद्धांत अलग है। यह ईरान से आया होगा, यही कहीं 15वीं से 13वीं सदी के आसपास, रहट या पर्शियन व्हील के एक हिस्से के रूप में। बहुत ढूंढने के बाद यह रहट मिली नाथावाला गांव राजस्थान में, पर यहां 5 साल से सूखा पड़ा है, कुएं में पानी नहीं है और रहट किसी काम आ नहीं रही। काम कर रही होती तो ऊंट भी जोता हुआ होता। 1530 में बाबर जब काबुल से भारत आया तो उसके लिए रहट बिल्कुल नई चीज थी। उसने इसके बारे में लिखा है, हिंदुस्तान के लोग रहट से सिंचाई किया करते हैं। दो लंबी लंबी मोटी रस्सियों के दो घेरे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के बराबर होते हैं। इन दो घेरों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर डोल बांध देते हैं। अब रस्सियों के इन घेरों को पहिए पर चढ़ा देते हैं। इस पहिए को एक बल्ली से जोड़ा हुआ एक और दांतेदार पहिया है, और इसकी दांतियों से लगा हुआ एक तीसरा पहिया भी है। इसकी धुरी ऊपर की ओर सीधी खड़ी है। बैलों के चलने से जब ये तीसरा पहिया घूमता है तो दांतियां एक दूसरे में फंसने की वजह से दूसरा पहिया घूमने लगता है, और इस तरह वो पहला पहिया भी घूमने लगता है जिस पर रस्सियों से बंधे डोल पड़े हैं। खाली डोल कुएं में जाते हैं और पानी से भरकर ऊपर आ जाते हैं। डोलों का पानी एक बड़ी नांद में गिरता रहता है। यहां से ये पानी जहां चाहे ले जा सकते हैं। ये पर्शियन व्हील कई जगह काम आया करते थे। बाग बगीचों और खेती जमीनों के सिंचाई के अलावा ये किलों और शाही घरानों के लिए पानी खींचने के काम भी आया करते थे। रहट जैसी तकनीकें अपना लेने से पैदावार बढ़ाने में मदद जरूर मिली होगी। अब वे ऐसी फसलें उगाने लगे जिनसे ज्यादा कमाई हो सके, जैसे कपास, कपड़े की रंगाई के लिए नील, और तंबाकू जो पुर्तगाल से आया। फिर मसाले, जिनकी खोज में यूरोपीय व्यापारी यहां आने लगे। पुर्तगाल यहाँ के कई बंदरगाहों पर अपना कब्जा कर चुका था, बाबर के आने से भी पहले। पुर्तगाली साम्राज्य फैला और उनके उत्तरी इलाके की राजधानी बना वसई। शुरू में तो बस यही लगा होगा
कि अरब व्यापारियों को अब कुछ और व्यापारियों का मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ 20 सालों में ही पुर्तगालियों ने मसालों के सारे व्यापार पर और पश्चिमी तट के तमाम समंदरी रास्तों पर अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ के जहाजों का तो ये हाल था कि पश्चिमी किनारों से चलने के लिए उन्हें गोवा के वाइसरॉय से फीस जमा करके पास लेना पड़ता था। नाविक शिक्षा के लिए पुर्तगाल राज्य ने एक अकादमी स्थापित की थी और वहाँ के नाविकों के पास नौ यात्रा की सहूलतें थीं, जैसे यंत्र और नक्शे। बंदूकें और तोपें भी थीं, जो भारत में तो काफ़ी आगे चलकर आम हुई। सीधी सी बात थी, जिसके हाथ में जहाजरानी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी, आर्थिक लाभ उसी का। मसालों और टैक्स की आमदनी इतनी भारी थी कि गोवा का नाम पड़ा गोवा दौरादा, गोल्डन गोवा। एक आविष्कार जिसने यूरोप में नए विचारों को फैलाने में मदद की वो था प्रिंटिंग प्रेस, जो कि 1557 में गोवा पहुंची। लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल सिर्फ मिशनरी किताबों के लिए हुआ करता था। वैसे पढ़ लिख सकने वालों की तादाद बहुत कम थी, पर खास बात यह है कि पादरियों ने देशी जबानों में छपाई शुरू की, हालांकि लिपि रोमन ही थी। बाद में गोवा में ही तमिल लिपि में छपाई की कोशिश की गई और यूं मराठी, कोंकणी, तमिल, मलयालम में पहली बार किताबें छपने लगीं। कई पादरियों और दूसरे विद्वानों ने इस देश की कुदरती संपत्ति में बड़ी दिलचस्पी ली, जैसे कि एक डॉक्टर थे गार्सिया दे ओर्टा, जिन्होंने वसई जैसे इलाके का सर्वे किया। बहुत से फल पौधों का और दवाइयों में काम आने वाली जड़ी बूटियों के बारे में उन्होंने लिखा। पुर्तगाली अगर नारियल पान और केले से यहीं आकर वाकिफ हुए तो भारत को जो उनकी खास देन है वो भी तरह तरह के फल और सब्जियां ही हैं। आलू, मूंगफली, काजू, अमरूद, अनानास, चीकू और शरीफा और मिर्च, जिसके बगैर हम किसी भी हिंदुस्तानी खाने का ख्याल भी नहीं कर सकते। 15वीं सदी तक आते आते भारत में यूरोप वालों का आना जाना होने लगा था। कई यात्री यहाँ आए और यहाँ के बारे में उन्होंने लिखा। अक्सर यूरोपियन डॉक्टरों को शाही घरानों ने मुलाजिम भी रखा। यह सब देखते हुए हैरानी होती है कि यूरोप के साइंस और टेक्नोलॉजी की खोजों का यहाँ कितना मामूली असर पड़ा। मिसाल के तौर पर यूरोप में किसी भी विचार या मत को फैलाने में प्रिंटिंग प्रेस की बहुत ही खास भूमिका रही। लेकिन भारत में हम इस कारगर माध्यम का पूरा लाभ नहीं उठा पाए। हाँ, साइंस का विकास धीमा ज़रूर रहा। इसका कारण शायद वो सामाजिक माहौल था। शेरो शायरी, कला चित्रकारी वगैरह को शाही दरबारों से ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। इसी के रहते सांस्कृतिक परिवेश में एक नई चेतना का जन्म हुआ। ये परिवर्तन बेशक हमारे इतिहास का एक हिस्सा है और कुछ व्यक्तियों ने इसमें एक खास भूमिका निभाई। जैसे 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के वक्त का एक शायर था। कहो, कौन है ये? कवि था, संगीतकार भी था, दिल्ली का रहने वाला था और भारत का मतवाला था। बड़ी रंग बिरंगी हस्ती थी, नए राग रचे, नए शब्द गढ़े। बोलो बोलो, पहचान सके उसको? कहते हैं अमीर खुसरो। बसंती ऋतु छाई हो, बसंती ऋतु छाई उस ओर खुशी लहराती है। इस ओ बसंती ऋतु छाई, मदिरा का कोई ठोर नहीं, जो मन चाहे मिल जाती है। नए नए फलों की सौगाते लाती है, जरूरत आती है इस ओर बसंती ऋतु
छाई तेरे ना तन देरे नदीम तेरे ना तन देरे नदीम तेरे ना तदियन रेत दानी ना दिर दिर तुम दिर दिर ताना ना न देरे ना दीम तेरे ना दीम तेरे ना दीम तेरे ना बगियों में फूलों के मेले डाली डाली इतराती है गाती है कोयल गीत कभी खामोश कभी हो जाती है इस ओर बसंती ऋतु छाई बसंती ऋतु छाई बसंती ऋतु छाई। अमीर खुसरो के सामने ही दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया था। देश भर में बहुत से स्वतंत्र राज्य उभर आए थे जैसे कश्मीर जौनपुर गुजरात और मध्य भारत में मालवा। दक्कन में दो हुकूमतें कायम हुई बहामनी और आगे दक्षिण में विजयनगर। बाद में बहामनी राज छोटे छोटे राज्यों में बट गया। और ये सब रायचूर दोआब की उपजाऊ जमीन पर कब्जा जमाने के लिए कभी आपस में तो कभी विजयनगर के साथ लड़ते रहे। इन झगड़ों के बावजूद सांस्कृतिक मेलजोल का सिलसिला जारी रहा। खासकर शहरी रहन सहन पर इस्लामी तौर तरीकों की गहरी छाप पड़ी। इस मेल मिलाप का प्रतीक है ये इमारतें। यहाँ लोटस महल में नीचे तो मेहराबे हैं और ऊपर मंदिरों की शैली का विमान। खास तौर से उस वक्त के बहुत से किलों में दोनों शैलियों का मेल नजर आता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स और आलेख बताते हैं कि 14वीं से 16वीं सदी तक दक्षिण भारत में नए सिरे से शहरों का दौर चला। विजयनगर में 80 से ज्यादा शहर कस्बे थे जो व्यापार और प्रशासन के केंद्र थे या फिर बड़े मंदिरों के कारण उनका धार्मिक महत्व था। हम्पी में पिछले कुछ वर्षों से चल रही खुदाई उस शहरी जीवन की विविधता और संपन्नता पर काफी रोशनी डाल रही है। मंदिर बाजार इमारतों के अलावा पानी सप्लाई और ड्रेनेज की व्यवस्था के अवशेष भी मिले हैं जैसे कुएं नालियां और टंकियां। अनुमान लगाया गया है कि केवल शाही महलों के इस इलाके की टंकियां और उनसे जुड़े हुए कुएं 5.5 लाख लीटर पानी स्टोर कर सकते थे। बाकी शहर के लोगों के लिए भी बहुत से कुएं थे टंकियां थी और ऐसे एक्वेडक्स बनाए गए थे जिनका यहाँ की पानी योजना में बड़ा महत्व था। इसे कल्याणी टंकी कहा जाता है। काले ग्रेनाइट्स की इसकी सीढ़ियां बहुत गहराई तक उतरती। पंप वगैरह के बिना पानी लाने ले जाने के लिए ग्रेविटी का ही इस्तेमाल हो सकता था तभी पत्थर के इन चैनल्स को ढलान दिया गया और इसीलिए यहाँ की फैली हुई पानी व्यवस्था में अलग अलग ऊंचाई पर टंकियां थी। कृष्णदेव राय के राज में विजयनगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। दक्षिण क्षेत्र के मसालों और दक्षिण पूर्वी प्रदेश के सूती कपड़े पर नियंत्रण की वजह से राजकोष भरा रहता था। फिरंगी व्यापारियों के जरिए तोप बंदूकों का भी आयात होता था। इन घोड़ों और हथियारों की मदद से विजयनगर की फौजी ताकत दुश्मनों से बेहतर बनाए रखने की कोशिश थी पर यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। कृष्णदेव राय की मौत के 31 साल बाद दक्खन के अहमदनगर बीजापुर और गोलकोंडा की मिलीजुली फौजों ने विजयनगर की सेनाओं को हरा डाला। खैर हार जीत के उतार चढ़ाव का सवाल नहीं है। अगर दक्खन के राज्यों के बीच आए दिन झगड़े नहीं होते
तो संपत्ति और साधनों की इतनी बर्बादी नहीं होती। आपसी मेल का नतीजा कुछ अलग और अच्छा ही हुआ होता। दक्षिणी राज्यों में काफी सांस्कृतिक विकास हुआ, उनकी उपलब्धियां कुछ कम नहीं हैं, लेकिन मुगलों की शान और शौकत हमारे दिलो दिमाग पर इतनी हावी रही है कि दक्षिणी राज्यों की ओर हमारा ध्यान कम ही जाता है। फतेहपुर सीकरी 1569 में इस शहर की बुनियाद रखी गई। अगले 15-16 साल तक यही अकबर की राजधानी बनी रही। कहा जाता है कि आगरा छोड़कर अकबर जो यहाँ आया उसकी एक वजह थे सलीम चिश्ती, जिनका आजकल यहाँ उर्स मनाया जा रहा है। उन्हीं के दरगाह पर आकर अकबर ने औलाद की दुआ मांगी थी। ख्वाजा सलीम चिश्ती, लगा दो पांव हमारी कश्ती। ये वो डर है कि इस डर पर बदल जाती है तकदीर। अमृता चलो ना। मर कर भी न छोड़ेंगे तेरा दामन पाप, हम तो मर कर भी न छोड़ेंगे तेरा दामन पाप, हम मर कर भी न छोड़ेंगे तेरा दामन पाप। हम गरीबों का अगर है तो सहारा तू है। अरे हाथ खाली और आपके मंगता दे, आपके मंगता दे सलीम, आपके ख्वाजा सलीम। ये सब संगे मरमर का जो काम है ना, वाइट मार्बल, ये सब जहांगीर के जमाने का है। टोटल जाली है ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक टू पीस के अंदर, यानी खाली दो पत्थरों को तराश के बगैर मशीन के, ये सब हैंड फिंगर है, ऑल डन बाय हैंड। पिछली कई सदियों से संस्कृतियों का जो मेल हो रहा था, अकबर को हम एक तरह से उसका प्रतीक मान सकते हैं। ये लाल सैंडस्टोन से बना शहर ईरान, मध्य एशिया और कई हिंदुस्तानी शैलियों का एक खूबसूरत संगम है। जब यह शहर अपनी पूरी आबोताब पर था तो उसका जिक्र अबुल फजल ने यूं किया। फतेहपुर आगरा से 12 कोस पर एक छोटा सा गांव था। शहंशाह अकबर के कदम पड़ने के बाद ये एक अहम शहर बन गया। बहुत सी शानदार इमारतें तामीर हो गई हैं। शाही महल और अमीरों के मकानात हालांकि टीले पर आबाद हैं, लेकिन मैदानी जमीन पर भी बेशुमार मकान बन गए हैं और बाग लगा दिए गए हैं। बादशाह के हुक्म पर यहां एक मस्जिद, मदरसा और इबादत खाना बना दिए गए हैं, ऐसे कि जिनकी मिसाल भी मिले तो कहीं कहीं। मजहबी बातों पर सलाह मशवरा करने वालों के अलावा बहुत से विद्वानों ने अकबर के दरबार में समय बिताया। उनमें से एक था अबुल फजल, जिसे अकबरनामा लिखने का काम सौंपा गया। इसी का एक हिस्सा है आईनी अकबरी, जिसमें मुगल दरबार की रोजमर्रा की जिंदगी और शासन से संबंधित मामलों का विवरण है। यह था अबुल फजल का मकान। आईनी अकबरी में बहुत से विषयों की चर्चा है, एल्केमी या किमिया, फिजिक्स, फौजी टेक्नोलॉजी, दवा दारू, जानवर और पेड़ पौधे, भूगोल, दर्शन, कैलेंडर बनाने के लिए गणित, सिक्का ढलाई वगैरह। अबुल फजल ने बेशक जो देखा वही लिखा, मगर बड़ी समझबूझ से। उसने कई ऐसे बातों को अहमियत दी
जिन्हें और लोग शायद नज़रअंदाज कर जाते। अबुल फजल सही माने में इतिहासकार था और उसके बयान के बिना हम आज बहुत सी जानकारी से बेखबर रह जाते। जो अलबरूनी ने गजनी के समय के लिए किया और मोहम्मद तुगलक के लिए बर्नी ने, उसी तरह मुग़ल ज़माने पर लिखकर अबुल फजल ने उस पर काफ़ी रोशनी डाली है। अनुमान है कि इसी जगह शाही कारखाने थे। यहीं पर जगह जगह से बुलाए गए कारीगर शाही घराने और अमीरों के लिए सामान बनाते थे। ज़रूरत के कपड़े बर्तन वगैरह से लेकर शौक की सभी चीज़ें। उद्योग व्यवस्था और उत्पादनों के साधनों में ये कारखाने अव्वल थे। हालांकि कारीगरों को औजारों का इंतज़ाम खुद ही करना पड़ता था। आईने अकबरी में उत्पादन के गुण और कीमत की चर्चा तो काफ़ी है, लेकिन औजारों और तकनीकों की बहुत कम। जो थोड़ा बहुत तकनीकी सुधार किया गया वो सीमित था मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक या फिर ऐसी सुविधाओं तक जैसे पानी सप्लाई के सिस्टम। ये वो बाउली है जिसको वाटर वर्क्स भी कहते हैं, जहाँ उस जमाने में लोग हाथ के जरिए से भी पानी ले सकते थे, बर्तन यानी पॉट के जरिए से भी, और फिर यहीं से पानी रहट के जरिए से ऊपर भी पहुंचाया जाता था। ये वो पत्थर का निशान है, देखिए यहाँ से ऊपर जो दो बीम नजर आते हैं ना, उन दो बीमों पर इस तरह दो स्टोन के पीस लगे हुए थे और यहाँ से सिंगल पीस का एक पिलर टाइप था। अब उस पिलर के साइड में यहाँ पूरा जितना भी ये राउंड जगह नजर आता ना आपको, बैल भैंसे यानी बुल बफेलो के जरिए पानी यहाँ से सप्लाई होने के बाद आगे फिर ऊपर दो पाइपलाइन है, वहाँ से पानी आगे पहुँचाया जाता था। हम अभी वहां नीचे थे, यहां से पूरा दिखाई देता है। पानी उस कुएं से, उन नालियों से इस ऊंचाई तक लाया जाता था और फिर दूसरे रहट से यहां तक जहां मैं हूं, और फिर यहां से और ऊंचा किले के अंदर तक। गियर्स की मदद से ये रहट चलते थे। जानवर या आदमी एक सतह पर गोल घूमते थे और गियर्स उनकी गति को रहट के चक्र की ऊपर नीचे वाली गति में बदल देते थे। शिराजी नामक एक इंजीनियर आविष्कारक ने गियर्स और मैकेनिक्स के अन्य सिद्धांतों का इस्तेमाल करके कई यंत्रों के डिजाइन बनाए। उसके आविष्कारों में एक यंत्र था यर्घु, जिसके डंडों पर लगे 16 ब्रश घूमते थे जो एक साथ 16 बंदूकों की नलियां साफ कर सकते थे। फिर एक तोप डिजाइन किया जिसके अलग अलग भाग हो सकते थे ताकि उसे लाने ले जाने में सुविधा हो, और फौजी गाड़ी में बिठाई गई चक्की ताकि गाड़ी के मंजिल पर पहुंचने के साथ साथ पीसा हुआ आटा तैयार। पर शिराजी के आविष्कारों को किस हद तक और कितने बड़े पैमाने पर काम में लाया गया यह कहना मुश्किल है। जहाँ एक तरफ उसके प्रयोगों का अपने आप में काफ़ी महत्व है, वहाँ दूसरी तरफ ऐसा नहीं लगता कि सामाजिक ज़रूरतों से उसके आविष्कारों का कोई गहरा ताल्लुक रहा हो। सोचने की बात, साइंस को एक ऐसा खुला माहौल चाहिए जिसमें नए विचार सामने आ सकें, फैल सकें। तो फिर अकबर के ज़माने में साइंस में कोई खास तरक्की क्यों नहीं हुई? कल्चरल लेवल पर तो काफ़ी मेल जोल होता रहा। अरबी फारसी संस्कृत किताबों का अनुवाद जारी था। खैर, खुला माहौल होने से ही तो शायद बात नहीं बनती। फिर अनुवाद भी तो सदियों से हो रहा था। एक अबुल फजल, एक शिराजी होने से क्या हुआ? दरबार में तानसेन भी तो था, फैजी जैसा शायर भी। संगीत, पेंटिंग्स, शायरी, हस्तकलाएं, इन सब का खूब जमाना था। वो मार्ग मैगजीन देना तो अमृत। इरफान हबीब के आर्टिकल में मैं कुछ पढ़ रहा था।
हाँ यहाँ फतेहपुर सीकरी की इमारतें बनाने का सालाना खर्चा करीबन 2.5 लाख रुपयों का था, पर यह कोई बड़ी रकम नहीं थी। अकबर की अपनी आय कुछ 1.5 करोड़ थी और ये सारा धन खेती के लगान से था। बादशाह के अलावा मनसबदारों की भी यही कमाई थी, कुछ 82% लगानों की रकम तो उनको जाती थी। और इन अमीरों का खर्चा किन चीजों पर होता था? ढेर सारे नौकर चाकरों पर, ऐशो आराम के साधनों पर, कपड़े जेवरात पर। साइंस पर कोई जोर नहीं था, उसकी किसी भी तरफ से मांग नहीं थी। मांग थी सुंदर से सुंदर कारीगरी की, हस्तकलाओं की। अमीरों और बादशाहों ने अच्छे बागवानों और तरह तरह के बीज मंगवाने के साथ साथ पेड़ों की कलमें भी लगाने की कोशिश की थी। बहुत से फल पैदा किए जिन्हें हम आज भी शौक से खाते हैं, जैसे किस्म किस्म के आम, तरबूज, खरबूजे, चेरी, खुरमानी। इत्मादुद्दौला का यह मकबरा जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने वालिद की याद में बनवाया था। जहांगीर को पेड़ पौधों, फलों, जानवरों और पक्षियों में गहरी रुचि थी। उसने उन्हें गौर से देखा, जाना, उनकी तस्वीरें बनवाई। उसकी किताब तुज़ुक-ए-जहांगीरी में कई कुदरती मामलों के बारे में सही मालूमात की गई है। रंग, खुशबू और जायके में इसकी मिसाल नहीं। फलों के तुरानी और ईरानी कदरदानों ने इसे खरबूजे और अंगूर से बेहतर बताया है। इसकी पत्तियां सरई की पत्तियों से मिलती जुलती हैं, पर ज़रा बड़ी हैं। और इसके फूल जो मौसम बहार में खिलते हैं, अंगूर के फूलों की तरह हैं। और इसमें बेहद सुहानी, लुभावनी खुशबू है। अबुल फजल ने आयने अकबरी में आम की बिल्कुल इसी तरह तारीफ की है। शाही घरानों और अमीरों में विदेशी फलों की ख्वाहिश के साथ साथ कलात्मक वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगी। इसी कारण इस दौर में इन चीजों का खूब विस्तार हुआ, जैसे चीनी के बर्तन, कालीन की बुनाई, बिद्री और जरी का काम, कलमकारी वगैरह वगैरह। इन चीज़ों का फैलाव इस हद तक हुआ कि जहाँ जहाँ ये काम पनपा, वहाँ वहाँ इसके आधार पर शहर आबाद हो गए। हिंदुस्तान में कुशल कारीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। इन्हें देखकर 1530 में बाबर ने कहा था, हिंदुस्तान में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ हर किस्म के, हर फन के बेशुमार कारीगर हैं। कारीगर तो बेशुमार थे, पर उनकी मजदूरियाँ बहुत कम थी। महंगे औजार और काम का ज़रूरी सामान खरीद पाना उनके लिए मुश्किल था। फिर भी ये कोई मामूली बात नहीं कि एक तरफ हमारे कारीगरों को सहूलतें कम थी, उनके औजार भी ज़्यादा विकसित नहीं थे, और दूसरी तरफ उनकी बनाई हुई चीज़ें कमाल की थी। फ्रांस का एक यात्री शाहजहां और औरंगजेब के वक्त यहाँ आया था। उसी ने यही बात देखी और कही, कहो कौन है ये? भारत में फ्रांस से आया था, और नाम नहीं, काम डॉक्टरी पाया था। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में वो हो आया था। तुम बूझ न पाए, रहने दो, बैर्नियर है वो, हमें कहने दो। जिसका कोई शुमार नहीं इतने कारीगर, सब होशियार, मेहनती और सब में है हुनर। मजबूर इस कदर है कि जो औने पौने दाम मिल जाए, बस उसी से चलाते हैं अपना काम। हालत ये है तो कैसे तरक्की करे भला, कैसे मिले इन्हें नए कामों का हौसला।
कमाल, वो लाजवाब काम की जिसकी न हो मिसाल। कपड़ों पर रंगाई का तरीका अपने यहाँ सदियों से चली आ रही परंपरा है। चांदी के फूलदान में हड़प्पन जमाने के कपड़े का एक नमूना मिला था, पक्के रंग में रंगा हुआ। फिर ऐसे नमूने करीबन 8वीं सदी में मिलते हैं। कपड़ों की छपाई में मॉडर्न और रेजिस्ट का इस्तेमाल भारत की विशेषता है। मॉडर्न एक ऐसा केमिकल है जो रंगों को कपड़े पर पक्का कर देता है, और रेजिस्ट एक पदार्थ जिसे कपड़े पर जहां जहां लगाए वहां रंग नहीं चढ़ता। यूं रंगों में पक्कापन और चमक आ जाती थी। यहां के टेक्सटाइल का खास आकर्षण यही था। यूरोप में कपड़ों की रंगाई का तरीका कुछ और था। वहां कपड़ों पर रंग को सीधा लगाया जाता था, मॉडर्न और रेजिस्ट के बिना। मैं आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में हूँ। इस इलाके पर जब गोलकोंडा के कुतुबशाही राजाओं का राज था, तब पर्शिया के साथ काफी लेन देन था। वहां ऐसे ठप्पों से ब्लॉक से रंगाई करने वालों को छीट सास कहा जाता था, और कलम से की गई रंगाई को कलमकारी। ये शब्द पर्शिया से ही भारत में आया। अम्मा वीलु अडुगुतुन्नारु मीरु ई पनि अंतकालं नुंचि चेस्तुन्नारु अनि। मेरी माँ ने जवाब दे थे कि ये कलमकारी काम हम 25 साल से काम कर रहे हैं। ये सब लोग हमारे घर वाले। आजकल सिर्फ ये येलो पेंटिंग का काम हाथ से ब्रश लेके काम करते हैं, बाकी सब काम हैंड ब्लॉक से प्रिंटिंग करते हैं। पहले पहले कलमकारी के मायने थे एक तकनीक। आजकल ये तकनीक भले ही बदल रही हो, पर पैटर्न्स बेलबूटियां वही है। मुगल जमाने में ये हस्तकला खूब फली फूली। कलमकारी का सिलसिला पच्चीकारी या इनले ट्रेडिशन से जा मिलता है, जो हमें खास तौर से उस वक्त के आर्किटेक्चर में नजर आता है। आप बिल्कुल सिंथेटिक रंग इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, हम जो रंगे इस्तेमाल करते हैं ना, पूरा वेजिटेबल्स है। अच्छा, फिर ये काला रंग आपको कैसे मिलता है? ये ब्लैक कलर, गुड और आयरन हुक, कारा पानी, तीनों को मिलकर एक बर्तन में रख देंगे 20 दिन। यानी लोहे का एसिटेट बन जाता है। वो 20 दिन के बाद जो मिलता है जूस, वो जूस को कपड़े के ये मैरोबलम कपड़े के ऊपर डालने से काला मिलता है। ये लाल रंग आने का वास्ते ये कपड़े के ऊपर हम आलम छापेंगे। आलम यानी फिटकरी। ये मॉडर्न है ना, जो रंगों को पक्का कर देता है। एक बर्तन में जाजी लीव्स एंड अल्जीरियन लम दोनों मिलके बॉईल करेंगे। हाँ। बॉईल करने से ये लाल आलम रंग ऐसा लाल बनेगा। अच्छा, ये बर्तन तांबे का होता है, तो तांबा रंग को और चमकदार बनाता होगा। चमकदार में ये मदद देती। अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए
कपड़े के व्यापार में सचमुच तेजी आ गई। 1606 ईस्वी में गोलकोंडा के कुतुबशाही सुल्तान ने फरमान जारी करके एक डच कंपनी को मछलीपट्टनम में दफ्तर खोलने की इजाज़त दे दी। कुछ साल बाद अंग्रेज़ों ने भी मछलीपट्टनम में अपना दफ्तर खोल लिया। 16वीं से 18वीं सदी तक हिंदुस्तान बड़ी तादाद में कपड़ा निर्यात करता रहा। इस व्यापार में यूरोप कितना भागीदार था, इसका अंदाज़ा होता है अंग्रेजी के इन आम शब्दों से, जैसे चिंस हमारा छींट, या शॉल यानी शाल, और फिर पिजामा, डंगरी, खाकी वगैरह, ये सब हिंदुस्तानी शब्द है। ये शब्द आम कैसे हुए? 18वीं सदी तक भारत एक उद्योग प्रधान देश बना रहा, कला से भरपूर, तरह तरह के खूबसूरत वस्तुओं के लिए मशहूर था। ये वस्तुएं जिनमें दस्तकारों के हुनर का कमाल ज़्यादा था, तकनीक वगैरह कम। दूसरी तरफ यूरोप अब भी एक कृषि प्रधान देश था, वहाँ इन कलात्मक चीज़ों की मांग इसीलिए बढ़ गई। ये नहीं कि यूरोप में उद्योग धंधे नहीं बढ़ रहे थे, उद्योग तो वहाँ भी फैल रहे थे, लेकिन उनमें और हम में एक बुनियादी फर्क था, और यही फर्क उनकी तरक्की का आधार बना। वहाँ का औद्योगिक ढांचा नई मशीनों और तकनीकों पर खड़ा किया जा रहा था, जबकि हमारे यहाँ ये इमारत हाथों की हुनरमंदी और कला की बारीकी पर खड़ी थी। वो हुनर और वो कला जिसे बरसों की लगन और जी तोड़ मेहनत से सीखा जाता था, उस्ताद शागिर्द की एक परंपरा होती थी। यही वजह थी कि यूरोप हिंदुस्तान की ओर आकर्षित हुआ, यहाँ बनी चीज़ें वहाँ खूब बिकने लगी। 17वीं सदी तक हिंदुस्तानी कपड़े इंग्लैंड में बहुत ही लोकप्रिय हो गए और वहाँ के कपड़ा उद्योग के लिए खतरा साबित होने लगे। 18वीं सदी के शुरू में एक कानून बना जिसके तहत हिंदुस्तान के साथ कपड़ा व्यापार पर पाबंदी लगा दी गई। बाद में छपे और रंगे हुए कपड़े पहनने पर भी कानूनी रोक लग गई। आने वाली सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में बने कपड़े बहुत ही सस्ते हो गए और हिंदुस्तान का करघा व्यापार एक तरह से ठप ही हो गया। यह सब उथल पुथल एक राजनीतिक परिवर्तन के तहत हुई और इसी के हाथों मुगल साम्राज्य का अंत होने वाला था।